गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम राम लक्ष्मण परशुराम संवाद तुलसीदास जी द्वारा कृत कविता का छठा पद्यांश करेंगे और सप्रसंग व्याख्या करेंगे, इसकी अध्ययन करेंगे। प्रसंग इसका हर पद्यांश में हम कर चुके हैं, आप भी व्याख्या देखें। इसके अंदर पद्यांश के अंदर लक्ष्मण जी के कड़वे वचनों से परशुराम जी और अधिक क्रोधित हो जाते हैं और फिर लक्ष्मण जी उनके क्रोध को सुनकर क्या कहते हैं परशुराम जी से, वे बातें हम इसमें पढ़ेंगे, उसका अध्ययन हम करेंगे। कहू लेखन मुनि शिलु तुम्हारा को नहीं जान विदित संसारा। कहू लखन, लक्ष्मण जी ने कहा, मुनि हे मुनि परशुराम जी, शिलु तुम्हारा, आपका जो शील स्वभाव है, कौन नहीं जानता विदित संसारा, संसार में विदित प्रसिद्ध है, जो संसार में विदित है सब जानते हैं, आपका जो शील स्वभाव है, व्यंग्य कसते हैं मुनि, बहुत क्रोधी हैं, लेकिन उन्हें शील स्वभाव वाला कहकर लक्ष्मण जी उन पर कटाक्ष करते हैं। लक्ष्मण जी कहते हैं कि हे मुनि परशुराम जी, इस संसार में आपका जो शील स्वभाव है उसे कौन नहीं जानता। माता पिति उऋण भय नीके, माता पिता के ऋण से उऋण भय हो गए हो नीके हल्के। आप माता पिता के ऋण से तो हल्के हो ही गए हो, आपने माता पिता का ऋण तो उतार ही दिया है, यानी वो तो मृत्यु को प्राप्त हो ही चुके हैं। गुर ऋणु राह सोचू बड़ जी के, गुरु का ऋण रहा रह गया है, सोच कर बड़ जी के, बड़ा जी के बनी हुई है तुम्हें, बड़ी जी के बहुत भारी महसूस हो रहा है, जिसका जो वजन है आपको बड़ा लग रहा है, उसकी बड़ी सोच हो रही है, आपको बहुत अधिक सोच हो रही है, गुरु का ऋण आपके ऊपर रह गया है। सोजनू हमरे ही माथे काढ़ा, सो जनू जैसे आप हमरे ही हमारे माथे से काढ़ा निकालना चाहते हैं, जैसे वह हमारे ही माथे मढ़ना चाहते हैं या हमारे मस्तक से निकालना चाहते हैं, हमारे ही ऊपर मढ़ दिया है वो ऋण आपने। दिन चली गए ब्याज बढ़ बाढ़ा। लक्ष्मण जी परशुराम जी से कहते हैं कि बहुत दिन हो गए हैं गुरु के ऋण आपके ऊपर चढ़ता ही जा रहा है, दिन चली गए, बहुत दिन बीत गए हैं, ब्याज बढ़ गया होगा ऋण का। अब मानिए व्यवहारिया बोली, अब आनिए व्यवहारिया बोली, अब आनिए किसी व्यवहारिया हिसाब किताब करने वाला बोली बुला लीजिए, अब किसी हिसाब किताब करने वाले को बुला लीजिए। तुरंत देऊं मैं थैली खोली, एक ही अक्षर में तुरंत उसी समय मैं थैली खोल दूंगा, आपका ऋण उतार दूंगा थैली से खोलकर। सुनी कटु वचन कुठार सुधारा, कड़वे वचन सुनकर परशुराम जी कहने लगे, कुठारो सुधारो, अपने कुठार को, अपने कुल्हाड़े को सुधार लिया, यानी उठा लिया उसको, अभी जैसे मारने वाले हो उन्होंने अपना कुल्हाड़ा संभाल लिया लक्ष्मण जी के ऊपर। हाय हाय सब सभा पुकारी, यह देखकर सारी सभा हाय हाय पुकारने लगी। भृगुबर परसु देखा बहु मोही, मुझे दिखाऊ दिखा रहे हो परसु कुल्हाड़ा, भृगुबर भृगुवंश के श्रेष्ठ। लक्ष्मण जी कहते हैं कि हे भृगु वंश के श्रेष्ठ, परशु देखाओ मोही, मुझे दिखा रहे हो परशु, बार बार कुल्हाड़ा दिखा रहे हो। बीपर बिचारी बचों निरुपद्रोही, बीपर ब्राह्मण बिचारी सोचकर, बचों बचा रहा हूँ आपको, नरिप राजाओं के द्रोही दुश्मन, हे राजाओं के दुश्मन, मैं आपको ब्राह्मण समझकर बार बार बचा रहा हूँ, ब्राह्मण सोचकर आपको बचा रहा हूँ, मृत्यु नहीं दे रहा हूँ आपके ऊपर, वार नहीं कर रहा हूँ क्योंकि आप ब्राह्मण हैं, लेकिन आप हो किसके, नृप राजाओं के दुश्मन हैं, क्षत्रियों के दुश्मन हैं।
मिले ने कब हूँ सु भट रनगाड़े, द्विज देवता गरी के बाड़े। मिले ने कब हूँ, मिले नहीं हैं क्या आपको कभी, कब हूँ कभी। सु भट अच्छे योद्धा, रण युद्ध में गाढ़े जमने वाले, युद्ध लड़ने वाले रणधीर, रण में युद्ध में डटे रहने वाले, धैर्य को धारण करने वाले अच्छे योद्धा कब हूँ ने मिले नहीं मिले हैं आपको कभी, युद्ध में डटे रहने वाले वीर योद्धा रणधीर नहीं मिले हैं क्या। द्विज देवता गरी के बाड़े, द्विज ब्राह्मण देवता और देवता, घरी के बाड़े घर में ही बाड़े बड़े होते हैं, ब्राह्मण और देवता तो घर में ही बाड़े होते हैं बड़े होते हैं। अनुचित कही सब लोग पुकारे, सब लोग पुकारने लगे, सब लोग पुकारे पुकारने लगे, कही कहने कि अनुचित कही, अनुचित कहा है, गलत कह रहे हो, अनुचित कह रहे हो, लक्ष्मण जी के प्रति चिल्लाने लगे लोग कि आप अनुचित कह रहे हैं, परशुराम जी से जो कह रहे हैं। सब लोग पुकारे, सब लोग कहने लगे, रघुपति सयनी लखनऊ मेवारे। ऐसी परिस्थिति देखकर कि सब लोग डर गए हैं, सब लोग कहने लगे हैं कि लक्ष्मण जी अनुचित कह रहे हो, तो उस स्थिति को संभालने के लिए रघुपति रामचंद्र जी, रघु कुल के पति श्री रामचंद्र सयन ही लखनऊ निवारे, सयन ही निवारे, मना कर दिया, हटा दिया लखनऊ लक्ष्मण को सैनी इशारे से, सयन से ही इशारे से ही लखनऊ लखन को निवारे रोक दिया। स्थिति को संभालने के लिए रघुकुल के पति सयन ही लखनऊ निवारे इशारे से ही लक्ष्मण को रोक दिया। लखन उतर आहुति सरीस, लक्ष्मण जी का जो उतर था आहुति के सम्मान था, सरीस सम्मान आहुति आहुति के सम्मान था, किसमें भृगु बर को पुकरिसानु, भृग वंश के श्रेष्ठ परशुराम जी के क्रोध रूपी आग के लिए, कृषाणु आग कोप क्रोध, क्रोध रूपी आग के लिए, भृग परशुराम जी के क्रोध रूपी आग के लिए लक्ष्मण जी के उत्तर आहुति के समान थे। बढ़त देखी जल सम वचन बोले रघुकुल भानु, इस क्रोध रूपी आग को बढ़ते हुए देखकर जल के समान वचन, जल सम वचन, जल सम वचन, जल के समान वचन बोलने लगे रघुकुल भानु, रघुकुल के सूर्य, श्री रामचंद्र को कहा है रघुकुल का सूर्य, रघुकुल के सूर्य क्रोध रूपी आग को बढ़ते हुए देखकर जल के समान वचन, ठंडे वचन बोलने लगे और परशुराम जी को शांत किया। काव्य सौंदर्य, इसमें अवधि भाषा का प्रयोग किया गया है, दोहा और चौपाई छंद है, वीर रस का वर्णन है, कोज गुण है, लयात्मकता है, लाक्षणिकता है, संगीतात्मकता का निर्वाह है, व्यंजना और शब्द शक्ति का प्रयोग हुआ है, अनुप्रास उपमा वक्रोक्ति अलंकार का प्रयोग हुआ है, चित्रात्मक शैली है, दृश्य और श्रव्य बीम है, इसकी भाषा बड़ी सरल और स्पष्ट है।